निकाल लिया है। आप अगर कोकोनट मिल्क डालना पसंद नहीं करते तो आप इसमें नॉर्मल भैंस का दूध भी डाल सकते हैं। और 1.5 कप शुगर यानी कि 300 ग्राम शुगर लेंगे। आपको मीठा जितना पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप शुगर कम या ज्यादा ले सकते हैं। और 2 अंडे लेंगे, 1/4 टीस्पून दालचीनी पाउडर, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट में मैंने किशमिश और चॉप किए हुए बादाम और पिस्ते लिए हैं। और साथ ही में हम पॉपी सीड्स यानी कि खसखस लेंगे, 1/4 टीस्पून सॉल्ट और 1 से 1.5 टीस्पून हल्दी लेंगे। कलर की जगह हम हल्दी का यूज करेंगे। और आखिर में घावन को फ्राई करने के लिए हम 200 ग्राम घी लेंगे। तो सबसे पहले हम स्वीट लेयर घावन बनाने के लिए इसका हम बैटर तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम एक बड़ा सा बोल लेंगे जिससे हमें बैटर बनाने में आसानी होगी। तो अब इस बोल में हम दोनों अंडों को ब्रेक करके डाल देते हैं। और अब हम इन अंडों को हल्का बीट करेंगे। अंडों को हमने हल्का बीट कर लिया है। अब हम इसमें इलायची पाउडर, दालचीनी पाउडर और शुगर डालेंगे। और अब हम शुगर को डिसॉल्व होने तक इसे अच्छे से बीट करेंगे। शुगर और अंडों को हमने 3 से 4 मिनट अच्छे से बीट कर लिया है और शुगर भी अच्छे से डिसॉल्व हो गई है। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे। हल्दी से हमारे घावन में कोई टेस्ट नहीं आएगा, बस हमने कलर की जगह पे हल्दी का यूज किया है। और अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। मैदा ऐड करते ही साथ ही में हम इसमें थोड़ा थोड़ा नारियल का दूध भी ऐड करेंगे, नहीं तो मैदे की गांठ सी जम जाएंगी और हमारा बैटर अच्छे से नहीं बन पाएगा। नारियल के दूध से घावन बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप नारियल का दूध बना सके या फिर आप नारियल का दूध पसंद नहीं करते तो आप इसमें मेरे बताए हुए मेजरमेंट से आप इसमें 1 लीटर भैंस का दूध भी डाल सकते हैं। अब हम आखिर में इसमें बाकी बचा हुआ दूध भी ऐड करेंगे। बैटर का कलर मुझे हल्का लाइट लग रहा था इसलिए मैंने इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी भी ऐड की है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके इसके सारे लम्स निकाल लेंगे और फ्लोई कंसिस्टेंसी का एक स्मूथ सा बैटर तैयार करेंगे। बैटर हमारा जितना पतला होगा उतने ही घावन हमारे अच्छे बनेंगे। स्पून से बैटर के सारे लम्स नहीं निकलेंगे इसीलिए हम इसे विस्कर की मदद से विस्क करेंगे और सारे लम्स निकाल लेंगे। बैटर को हमने अच्छे से विस्क करके सारे लम्स निकाल लिए हैं और देखिए हमने एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लिया है। अब हम इसे 1 घंटे के लिए ढककर रख देते हैं। ये स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसे बिना रेस्ट दिए आप इसके घावन बनाएंगे तो आपके घावन अच्छे नहीं बन पाएंगे और इससे घावन के लेयर भी क्रैक हो जाएंगे। ये एक छोटी सी टिप्स है कि आप इसे एटलीस्ट 1 आवर के लिए इसे परा रहने दें और फिर इसके घावन बनाएं। बैटर को रखे हुए 1 घंटा कंप्लीट हो गया है। अब हम बैटर की कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं। बैटर की कंसिस्टेंसी हल्की गाढ़ी लग रही है इसीलिए हम इसमें 1 कप पानी ऐड करके बैटर को और थोड़ा पतला करेंगे। घावन बनाने के लिए बैटर जितना पतला रहेगा घावन उतने ही अच्छे बनेंगे, इसीलिए बैटर को हम हल्का पतला ही रखेंगे। घावन बनाने के लिए हमारा परफेक्ट बैटर तैयार है। तो चलिए अब हम इसके घावन बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन को घी लगाकर गरम होने के लिए रख दिया है। घी को हम हल्का गरम करेंगे, फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। घी गरम हो गया है, अब हम पैन में घावन की फर्स्ट लेयर के लिए बैटर डाल देते हैं। बैटर डालते ही हम पैन को इस तरह से शेक करके बैटर को अच्छे से स्प्रेड करेंगे। बैटर हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस हम इतना बैटर डालेंगे कि पैन को शेक करके एक पतली सी लेयर बन जाएंगी। अगर बैटर हल्का कम पड़ रहा है तो बीच बीच में हम थोड़ा थोड़ा बैटर डालकर बैटर को स्प्रेड करते जाएंगे। बैटर हल्का कच्चा है जब हम इसमें खसखस और कटा हुआ ड्राई फ्रूट और किशमिश डालेंगे ताकि ड्राई फ्रूट आसानी से बैटर में चिपक जाए। और घावन को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाएंगे, इसमें हम बिल्कुल भी कच्चापन बाकी नहीं रखेंगे। और पैन की साइड्स पे भी हम हल्का घी लगाएंगे जिससे घावन के साइड्स अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। फर्स्ट लेयर को हमने अच्छे से पका लिया है, अब हम इसे इस तरह से 1/2 फोल्ड कर लेते हैं। अब हम पैन के आधे हिस्से को घी लगा लेते हैं, फिर हम इसमें घावन के सेकेंड लेयर के लिए बैटर डालेंगे और इस तरह पैन को हल्का शेक करके बैटर को स्प्रेड करेंगे। पैन में बैटर डालते ही हम बैटर को जल्दी स्प्रेड करेंगे जिससे बैटर हमारा आसानी से स्प्रेड हो जाएगा। अब जब बैटर हमारा कच्चा है हम इसमें खसखस, कटा हुआ ड्राई फ्रूट और किशमिश डालेंगे और घावन के सेकेंड लेयर को भी अच्छे से पकाएंगे। और उसी तरह पैन के साइड्स में हम घी लगा लेते हैं जिससे हमारे घावन की सेकेंड लेयर भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगी।
घावन की सेकेंड लेयर भी हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब हम फर्स्ट वाली फोल्ड की हुई लेयर को हम सेकेंड वाली लेयर पे इस तरह फोल्ड करेंगे। इसी तरह हम सेम प्रोसेस करके घावन की 6 से 7 लेयर बनाएंगे, या फिर आप अपनी चॉइस से जितनी चाहे उतनी लेयर बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेम प्रोसेस करके घावन की 6 से 7 लेयर बना लिए। अब हम घावन को हल्का घी लगाकर मीडियम फ्लेम पे फ्राई करके घावन को हल्का क्रिस्पी बनाएंगे। तो मैंने घावन को फ्राई करके इसको हल्का क्रिस्पी बना लिया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल कर इसे कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी ये स्वीट लेयर घावन वाली रेसिपी आपको कैसी लगी? इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अब मुझे इजाजत दीजिए, मिलती है।